दोस्तों यूं तो नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी वेब सीरीज अवेलेबल हैं और बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम कोई वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं अपने फैमिली के साथ और उन वेब सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जो कि फैमिली के साथ देखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऐसी गलती आप फिर से ना दोहराएं, इसलिए आज हम जानेंगे कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिनमें कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 फेरिया द डार्केस्ट लाइट सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2022 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है दो बहनों से जो कि अचानक से ही कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों से सामना करती है और लास्ट तक वो इन गतिविधियों से किस तरह बाहर निकलती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट सीरीज। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर 9 द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उसार सीरीज बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है उसार फैमिली से जिसके ऊपर अचानक से ही बुरे साए की नजर पड़ जाती है और उनके परिवार के एक एक सदस्य मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन असल में वो बुरा साया सिर्फ उसार फैमिली के ऊपर ही क्यों नजर गड़ाए रहता है और लास्ट तक उसार फैमिली उस बुरे नजर से किस तरह बचती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट सीरीज। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 8 मास्क गर्ल सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसी बदसूरत लड़की से जिसे सोसाइटी में कोई भी प्यार नहीं करता है लेकिन वो इंटरनेट पर अच्छा खासा पॉपुलैरिटी बना चुकी होती है। इसी बीच वो एक डेटिंग में जाती है जहां पर उसे बहुत ज्यादा बदनामी मिलती है और वो उस लड़के को मार देती है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। वो अपने लाइफ में कितने सारे क्राइम करती है इवन लास्ट तक उसे किस तरह सजा मिलती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट सीरीज। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 7 प्लेइंग विद फायर सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि तीन लड़कियों से प्यार करता है और वो इन तीनों लड़कियों को बहुत ही ज्यादा खुश रखने की कोशिश करता है लेकिन लास्ट तक इस लड़के के पीछे भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें छिपी हुई रहती हैं और असल में ये मिस्टीरियस चीजें क्या हैं ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और रेटिंग देती है 10 में 5.9। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 6 ऑब्सेशन सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई थी 2023 में। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है एना से जो कि एक सर्जन के प्यार में पड़ जाती है लेकिन इस लव स्टोरी में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी छिपी हुई रहती हैं। सीरीज में देखने लायक यह है कि इन दोनों की लव स्टोरी कहां पर जाकर खत्म होती है इवन कितनी मिस्टीरियस तरीके से खत्म होती है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 5 ओबिलिट्रेट सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2023 में। सीरीज की शुरुआत होती है इलाइट स्पेशल फोर्स से जिसे एक खतरनाक टास्क दिया जाता है। पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उस टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उस टास्क में वो पूरी तरह से नाकामयाब रहे हैं और उसी टास्क को वो फिर से बाद में किस तरह कंप्लीट करते हैं इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 4 एक्स लाइफ सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड कॉमेडी एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है बेला नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि शादीशुदा है लेकिन वो अपने पुराने दिनों के फैंटेसी के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रही होती है। इसी बीच अचानक से ही उसके अतीत से एक लड़का उससे मिलने आता है यानी कि उसका अतीत का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उनका अफेयर शुरू हो जाता है लेकिन ये अफेयर कहाँ पर जाकर खत्म होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.6। नंबर 3 टॉय बॉय सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है ह्यूग नाम के एक ऐसे लड़के से जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है लेकिन इनकी लव स्टोरी बड़ी ही खतरनाक है और ये लव स्टोरी कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है।
नंबर टू एक्सीफाई सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है मोनिका नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि एक ऐप डेवलप करती है, लेकिन ये ऐप क्या बवाल खड़ा करती है यंग जनरेशन के बीच, ये तो आपको सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि ये सीरीज आपको भरपूर एंटरटेन करने वाली है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर वन फेक प्रोफाइल सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की शुरुआत होती है कैमरा नाम की एक ऐसी लड़की से जो कि एक लड़के से मिलती है एक डेटिंग ऐप पर, और उन दोनों में प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्यार कहां पर जाकर खत्म होता है, इवन इस लड़के के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज की स्टोरी बड़ी ही मिस्टीरियस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।